सभी संगत को जय माता की। आज का विषय है कि सवारी अगर रो के आती है हमारे ऊपर, किसी के ऊपर भी अगर हाजिरी पेशी सवारी कुछ भी कह लो, और अगर क्रोध में आती है, चिल्ला करके आती है। कईयों की सवारियां तो गाली गलौज भी करने लग जाती है, कईयों की सवारी जो होती है अपने शरीर को ही काटने लग जाते हैं, यानी कि खुद को ही नोचती हैं या फिर काटने लग जाती हैं, अपने ही शरीर को जो है हानि पहुंचाने लग जाती है। तो ये क्या कारण होता है? कौन से देवी देवता की सवारी होती है और क्यों ये आपके ऊपर रो के आ रही है? इसका क्या कारण है? क्या आपके साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है? क्या आपके घर पे कोई घोर संकट आने वाला है? तो इन सभी विषयों पे आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक सुने, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा ही आपके लिए नुकसानदायी हो सकती है। और हमारे चैनल पे मिलते हैं आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी। तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आप सही जानकारी से जुड़े, आपके मन का अंधविश्वास दूर हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि जिन बच्चों के ऊपर सवारी आ जाती है, यानी कि बहुत बहने बहने ज्यादातर इस चीज से बहुत पीड़ित है और भाई भी बहुत ज्यादा पीड़ित है। तो बहनों को क्या है कि मैं माँ काली की सेवा करती हूँ, पूजा करती हूँ, और मेरे ऊपर उनकी सवारी आती है। पर जब सवारी आती है तो वो रोते हुए आती है, यानी कि जब सवारी आके चली जाती है तो मेरे शरीर के बहुत सारे हिस्सों में दर्द होता है। स्पेशली जब मेरी गर्दन घूमती है तो 6-6 दिन तक मेरी गर्दन जो है ठीक नहीं होती। इसका भी कारण मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं होती। देखो, जब सवारी आ रही है ना, वो एक वेग है, वो एक ऊर्जा है ना, कि जब भी सवारी आती है एक वेग के साथ, तो आप गर्दन क्या है, कभी कभार घुमाते हो। हमारी जो नसें होती है ना गर्दन की, तो बार 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 बड़े तेज वेग से वो एक ही वेग में घूम रही है, कभी आगे पीछे हिल रही है। तो उससे क्या होता है कि नसें जो है खिंच जाती है, और खिंचने की वजह से, खिंचाव होने की वजह से उनमें जो है खून का दौरा जो है कम हो जाता है। और जब तक वो अपनी पूर्ण स्थिति में नहीं आती, तब तक आपकी गर्दन से दर्द नहीं जाएगा। पहली बात तो ये सोचो, आप लोग क्या सोच लेते हो कि नेगेटिव एनर्जी है इसलिए मेरे शरीर में दर्द होता है? नहीं, जिसको पॉजिटिव एनर्जी, जिसको पॉजिटिव शक्ति की भी सवारी आ रही है, उसके भी गर्दन दुखती है भाई। क्यों? क्योंकि शरीर जो है उस वेग को, उस ऊर्जा को सहन करने के लायक नहीं होता है। जो इंसान डेली पेशी लेता है ना, डेली सवारी लेता है, यानी कि जो चौकी दरबार लगाता है, उसको ये कभी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो बार बार सवारी ले रहा है, यानी कि हफ्ते में 2 बार भी ले लेता है, हफ्ते में 1 बार भी ले रहा है, तो उसको जो है आदत हो जाती है उसकी नसों को। वो जो है उनमें स्वेलिंग नहीं आती, स्वेलिंग होने की वजह से जो खून का दौरा जो है, रक्त प्रवाह जिसको बोल दिया जाता है, वो कम नहीं होता, उनकी गर्दन में दर्द इतना नहीं होता। तो जो सवारी रो के आ रही है आपकी, जो सवारी रो करके आती है, वो सवारी जरूरी नहीं है कि माता काली रो के आए, या आपके घर में अनिष्ट ही होगा, आपको कोई काम ही बिगड़ेगा, या आपके घर में कोई संकट आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, हमारे जो पूर्वज होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, कई बार हमें नहीं पता होता कि हमारी कोई पुरानी गद्दी लगी होती है घर में, यानी कि लोग पूजा पाठ करके मर चुके होते हैं, उनका किसी को नहीं पता होता है कि कौन थे, हमारे दादा थे या परदादा थे। ये भी नहीं पता होता कि गद्दी पे कौन सी शक्ति चल रही थी, हमें नहीं पता। पर जब भी आप चाहे किसी की पूजा करें ना करें, किसी के कीर्तन में गए, किसी के जागरण में गए, कहीं मंदिर में गए, कहीं आरती में आप खड़े हो गए, और आपको अचानक से ऊर्जा महसूस हुई, और अचानक से आपका शरीर जो है खेलने लग गया, हिलने डुलने लग गए, आपके रोंगटे खड़े होने लग गए, या फिर आपको उबासी आने लग गई, या आपका सिर भारी होने लग गया, आंखों पे भारीपन आ जाता है, कंधे भारी हो जाते हैं, बहुत सारे सिम्टम जो है लोगों के ऊपर आने लग जाते हैं। तो इन सभी सिम्टम से बचने के लिए आप लोग क्या करते हो कि मेरे ऊपर तो कोई भूत प्रेत की सवारी आ रही है, माता की सवारी रो के आ रही है। वो माता नहीं होती, माता की सवारी नहीं होती, वो होते हैं आपके घर के सेवादार, जो आपके शीश पर सवारी लेकर के आते हैं। तो अब हमें ये भी नहीं पता कि कौन से पूर्वज थे, कौन से दादा दादी थी, कौन था, यानी हमें नहीं पता है इस चीज का। तो हम क्या करें? आपको किसी भी भगत के पास जाना है, किसी भी चौकी के पास जाना है, अपने बारे में पूछा दिखवानी है। अगर वहां पर भी आपकी बात सामने नहीं आती है, तो जाहिर सी बात है उसका कुछ विधि विधान होता है, कुछ रूल्स होते हैं, उनके नाम के आपको जो है वस्त्र आदि और कुछ सामान जो है दान करना पड़ता है, या फिर अपने घर में अरदास के तौर पे, गहने के तौर पे रखना पड़ता है, जब वो शक्तियां सीधी चल करके आपको जो है रास्ता देना शुरू कर देती हैं। तो जिनके ऊपर सवारी रो के आती है ना, माता देख लो, ध्यान लगा लो, कभी भी रो के नहीं आएगी। आप ये चीज का हिसाब लगाओ, अगर आपकी सवारी रो के आ रही है तो पक्का आपके घर में कोई ना कोई सेवादार रह चुका है, कोई ना कोई बड़े बुजुर्ग सेवा करके जा चुके हैं, या फिर आपके घर के जो भूत पितर होते हैं ना, वो भी सवारी के रूप में जब आते हैं तो रोकर ही आते हैं।
क्यों? क्योंकि उनकी भी पूजा पाठ कहीं ना कहीं दी नहीं जा रही है, और वो आपके घर के ऊत हैं, आपके घर में पूजा चाहते हैं, स्थान चाहते हैं, या फिर अपने नाम का दान, पिंड दान इत्यादि चाहते हैं आपसे, और आपको पता ही नहीं है। कई बार पता होने के बावजूद भी आपको जानकारी नहीं है कि हमें इनके निमित्त क्या करवाना चाहिए, कौन सा पाठ करवाना चाहिए, क्या हम इनके निमित्त गहना वगैरह रख सकते हैं, क्या हम इनके निमित्त जो है पूजा पाठ कर सकते हैं, या फिर इनको स्थान इत्यादि दे करके क्या विधि विधान रहता है, वो जानकारी आप लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, माता आती है पर रो के आती है? बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता, माता कभी भी रो के नहीं आएगी, वो तो स्वयं जगत जननी है, उसको रोने की क्या जरूरत है भला। रोएंगी वो शक्तियां जो माँ की कभी शरणागति थी, जिनको माँ से अपना उद्धार चाहिए, क्योंकि आप उनके कुल के बच्चे हो, जो कभी पूजा पाठ नहीं करते उनको सवारी आती है, तो आपके ऊपर कोई ना कोई पैतृक सिद्धि या कोई ना कोई भूत पितर जो गुजर चुका है, आपने कुछ नहीं किया, वो सवारी लेकर के आता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे मान सम्मान चाहता है। दूसरी बात, जो पूजा पाठ करते हैं, जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग, आपके घर की शक्तियां जो पुरखों के टाइम से चली हुई है ना, वो आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर आपके शीश पे खेलने लग जाती है, उनको भी लगता है कि हाँ ये बच्चा मेरा कल्याण करवा सकता है, ये बच्चा मुझे इस प्रेत योनि से, पिशाच योनि से मुक्ति दिलवा सकता है, तो आपके शीश पे वो हाजिरी लेकर के खेलना शुरू कर देते हैं, आके सिर्फ रोते हैं, कोई बात नहीं बोलते। और देखो इनको बुलवाने के लिए ना, इनका मुंह खुलवाने के लिए काफी टाइम लग जाता है। कई मामलों में तो ये भी हो जाता है कि आपके ऊपर कोई मसाणी क्रिया कर दी जाती है, जिनमें जैसे घूंगड़ मसाणी होती है ना, वो कभी भी अब भेद नहीं खोलेगी, कभी भी भेद नहीं खोलती, वो कभी नहीं बताती, हजार तरह के रूप बदलेगी, कभी कोई सा रूप बदल के आ जाती है, कभी कोई सा रूप बदल के आ जाती है, वो आपको कभी रास्ता नहीं देगी। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि मसाणी क्रिया जो होती है, कहीं तो खेल करके बता देती है, जो छोटे मोटे भोग पे आती है, पर जो घूंगड़ मसान होती है ना, वो कभी भी आपको ये नहीं बताएगी, किसी भी भगत के सामने वो नहीं आएगी, वचन की बड़ी पक्की होती है, वो वचन नहीं तोड़ती है किसी भी भोग प्रसाद के लालच में, जिसने इसको सिद्ध कर रखा है। अगर कोई ना कोई भगत या फिर कोई ना कोई आपके ऊपर इसका प्रयोग कर देता है, तो ये कभी सामने नहीं आएगी, और ये आपके घर में जो है एक तरह से शमशान का कर देगी। जैसे शमशान में होता है कि बदबू आती रहेगी, आपके घर में कलह क्लेश रहेगा, आपके काम धंधे में बरकत नहीं होगी, शरीर से जो खून सूखना लग जाता है, जो बिल्कुल सूखे हाड़ आपके निकल जाते हैं, हारी बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, तो ये बहुत सारे सिम्टम इन चीजों के साथ होने लग जाते हैं। तो जिन लोगों को वहम है, जो लोग इस चीज से परेशान है कि सवारी रो करके आती है, बोलती नहीं है, हमें रास्ता नहीं देती है, उन लोगों को जो है समस्या से निकलने के लिए कहीं ना कहीं किसी भगत के पास पूछा जरूर लेनी चाहिए, अपने घर का क्लियर करवाना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो है सेवा पूजा अपनी थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए, ताकि वो खुश होकर के, प्रसन्न होकर के वचन करें, और आपकी गद्दी पर जो है आपके कार्य बनाए, आपके साथ चलें, आपके घर में जो है जो भी आपके कार्य बिगड़ रहे हैं उनको सीधा करें। पर इसमें बहुत समय लग जाता है, कम से कम 1-1.5 साल का 2 साल का समय आपको लगता है, जब कोई सेवादार रूपी शक्ति आती है। तो सभी को जय माता।